Assalamu alaikum, I'm Hotel Ahmed Khan, or today a new story. उसमें एक बाप अपने बेटे को जो नसीहत करता है उस हवाले से हम बात करेंगे और आखिर में उसका जो नतीजा है वो क्या है और वो बाप अपने बेटे को क्या समझाना चाह रहा है। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। एक बाप होता है, वो अपने बेटे को बुलाता है अपने मरने से पहले और बुलाता है और एक घड़ी अपने बेटे को देता है, जो वो घड़ी उसके बाप ने उसको दी हुई होती है, यानी कि उस बच्चे के दादा ने उसके वालिद को दी होती है और तकरीबन वो 200 साल पुरानी हुई घड़ी होती है। और वो घड़ी देकर उसका वालिद उसे कहते हैं कि ये घड़ी लेके जाओ पहली गली में, जो घड़ी वाला है उसके पास लेकर जाओ, उससे मालूम करो इस घड़ी की कीमत क्या है। वो जाता है उस घड़ी वाले के पास, वो कहता है भाई ये तो बहुत पुरानी हो चुकी है, इस घड़ी की जो कीमत है मैं $5 दे सकता हूँ आपको। तो वो बच्चा आता है अपने वालिद के पास, आता है आगे पूरा वाकया बताता है कि भाई ऐसे ऐसे उसने बोला ये तो बहुत पुरानी घड़ी है, इसके मैं तुम्हें $5 दे दूँगा। तो उसके बाद जो है वो कहते हैं अच्छा चलो अब तुम जाओ एक कॉफ़ी शॉप है वहाँ पर जाओ। वो वहाँ जाता है, उस कॉफ़ी शॉप वाले के पास जाता है, उस कॉफ़ी शॉप वाले को घड़ी दिखाता है, वो कहता है भाई इसके मैं तुम्हें सिर्फ $5 दे सकता हूँ, ज़्यादा नहीं दे सकता। वो कॉफ़ी शॉप वाले के पास से वापस आता है और अपने वालिद को पूरा वाकया बयान करता है कि इस तरीके से कॉफ़ी शॉप वाले ने कहा मैं तुम्हें $5 दे सकता हूँ, तो बहुत पुरानी है। अब फिर उसके वालिद उसे कहते हैं कि आप इस घड़ी को लेकर जाओ म्यूज़ियम में, जहाँ पर पुरानी चीज़ों को खरीदो फरोख्त की जाती है। फिर उस घड़ी को वो लेकर जाता है म्यूज़ियम में, तो वहाँ जाके मालूमात करता है कि इस घड़ी की क्या कीमत होगी। तो वो उस घड़ी की मिलियंस ऑफ डॉलर्स देने के लिए तैयार थे, क्योंकि वो नहायत ही कदीम घड़ी थी जिसकी अहमियत को वो समझ सकते थे। वापस आता है बेटा अपने बाप को आके ये तमाम वाकया बताता है कि भाई पापा म्यूज़ियम वाले तो मिलियन ऑफ डॉलर्स देने के लिए तैयार हैं इस घड़ी के लिए, इस पीस के लिए। तो बाप अपने बेटे को कहता है बेटा मैं तुम्हें जो नसीहत करना चाहता हूँ, किसी भी चीज़ की सही कीमत उसकी अपनी जगह पर होती है। अपने आप को ऐसे लोगों में बर्बाद मत करो, अपने आप को ऐसे लोगों में बर्बाद मत करो जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, जो आपको जो है बेजा तनकीद का निशाना बनाते हैं, और अपने एम पर फोकस होके चलो और अपने आप को उन लोगों में रखो जहाँ तुम्हारी अहमियत हो। तो अपने आप को ऐसे लोगों में बर्बाद मत करिए जो आपको बेजा तनकीद का निशाना बनाते हैं और जो आपकी सलाहियतों को ख़राब करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी इंसान गलत हो, हमें हमेशा लोगों की खूबियों को उजागर करना चाहिए और उन्हें आने वाले ज़िंदगी के लिए मोटिवेट करना चाहिए। ऐसे लोगों में अपने आप को तलाश मत करो जहां पर लोग आपका वक्त बर्बाद करते हैं, बल्कि ऐसे लोगों में अपने आप को तलाश करो जहां आपकी कीमत हो और आपको सराहा जाए और आपकी कोशिशों को सराहा जाए। ऐसे लोगों के साथ रहकर आप अपनी ज़िंदगी का अच्छा मकसद हासिल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। So don't find yourself in the wrong place and get angry if you are not valued. तो अपने आप को ऐसे लोगों में तलाश मत करें जहां लोग आपकी अहमियत को नहीं समझते, जहां लोग आपको बेजा तनकीद का निशाना बनाते हैं। अपने आप को ऐसे लोगों में रखें जो आपकी सलाहियतों को अप्रिशिएट करते हैं और आपको आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका देते हो। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।